हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आज के हम दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत बड़ी मार्केट की, जो दोस्तों जो कपड़े के लिए, जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सूरत मार्केट की। दोस्तों सूरत मार्केट की बहुत बड़ी सच्चाई आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप भी जो नए बिजनेसमैन होते हैं, जो नए बिजनेस अपना खोलना खोलते हैं, वो किस झांसा में आ जाते हैं और झांसा में फंस जाने के बाद में उनको कितना बड़ा घाटा हो जाता है। दोस्तों दोस्तों आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप भी एक बिजनेस मैन हो, आप भी बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही खास है। जैसे कि दोस्तों आप भी देखते होंगे कि जो फोन से जो वीडियो के थ्रू यहाँ पे दिखाया जाता है, जो सूरत मार्केट में जो माल दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे 10 रुपये में लेकर जाइएगा, दोस्तों 10 रुपये में आपको आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साड़ी जो है आपको 30 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, 50 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको वहाँ पे कुर्ती जो है वो 50 रुपये में, 30 रुपये में प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि जो आज के डेट में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है वो कितनी गंभीरता से बढ़ती जा रही है। आज के डेट में देखा जाए, एक रूमाल आप लाने जा रहे हो दोस्तों, वो भी 20 रुपये 30 रुपये की एक रूमाल मिलती है दोस्तों, जिसमें आप एक हाथ धुलकर पोंछते हो दोस्तों, वो 20 से 30 रुपये में मिलते हैं, लेकिन 30 रुपये में आपको वहाँ पर साड़ी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। उस तरह से कि उसमें होता क्या है, आप लाने जाते हो उसमें हो कैसा माल आपको मिल जाता है दोस्तों, आज मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। जैसे कि दोस्तों जैसे आप भी कभी भी जाते हो सूरत मार्केट में, वहाँ पे आपको एक नहीं वीडियो में जैसे आप देखते हो कि 10,000 लेकर आइएगा लाखों कमाइएगा, 10,000 में आप 50,000 कमाइएगा कुछ ही दिन में, कुछ ही पल में, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूँ कि आप 10,000 का माल लेकर आते हो तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 3,000 4,000 से ज़्यादा कभी भी कमा नहीं सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आप 3,000 जैसे कुछ भी फीस है, जैसे 50 फीस आपने लेकर आया, कोई भी चीज, आप साड़ी कुर्ती लेगी कोई भी चीज, कैफरी प्लाजो कोई भी चीज आपने लेकर आया 50 फीस, आपका उसमें ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 फीस बिकेगा, 20 फीस आपका रुक जाएगा लगभग में, वो आपके घर में ही यूज करना पड़ेगा दोस्तों, वो बिकने के लायक है ही नहीं। आपको कम दाम में तो मिलता है लेकिन इस प्रकार से आपका वो माल रुक जाएगा, कभी भी बिकेगा नहीं, उसमें आपका इतना नहीं बहुत बड़ा घाटा होता है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे आप भी रोक सकते हो दोस्तों। आप कभी भी जैसे सूरत मार्केट से आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन बिजनेस कभी भी नहीं करना है। आप कभी भी करो तो आप वहाँ पे जाकर अपने आंखों के सामने पैकिंग करवा के देखो। देखो दोस्तों वहाँ पे हमें मिलता क्या है, उसी प्रोडक्ट को लो दोस्तों। आपको लगता है कि ये 10 रुपये का सामान है, इसको हम 15 रुपये में बेच सकते हैं, उसी को आप लो। ये हर पीस को, हर जैसे बंडल को आप खुलवा कर ही देखो दोस्तों, उसमें कटी फटी या हर चीज़ गंदी या कोई भी दिक्कत, रिजेक्ट माल तो नहीं है दोस्तों। दोस्तों आप रिजेक्ट माल पा जाते हो, आपके घर आ जाने के बाद में आपका कोई भी उसमें बस नहीं चलता है। जैसे कि दोस्तों 10 पीस आप 50 पीस लेकर आए, 10 पीस आपका बेकार हो गया तो आप 10 पीस को वापस करने नहीं आओगे, ये दुकानदार भी जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो दोस्तों। उसे कम से कम रेंज में बेचोगे नहीं, जैसे कि दोस्तों वो नहीं बिकता है तो आप अपने घर में ही यूज कर लोगे लेकिन वापस करने नहीं जाओगे दोस्तों। तो उसी प्रकार से आप भी समझ सकते हो दोस्तों, जब अभी कभी भी आप सूरत मार्केट में आते हो, सूरत में आते हो बिजनेस के लिए, तो आपको एक नहीं अनेक प्रकार की ध्यान रखना होगा दोस्तों। आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो अच्छे से अच्छे आपको माल को लेना है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको तुरंत वापस कर दो। आपको आपको यही बोलना है कि हम इसे नहीं लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप कभी भी वहाँ पे छोड़कर अधूरा नहीं आइएगा, आपको पैकिंग कर लेना है। पैकिंग करवाने के बाद में आपको ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाना है, भेजना है, तो आप ट्रांसपोर्ट पे जाकर खुद अपनी बूथ अपने उनके साथ में आधे घंटे 1 घंटे आपको समय लग जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट पे आपको भी जाना है, वहाँ पे उनके उनके सामने आपको अपनी जो पर्ची है वो
पर्ची लेना है, अपने सामने उसको ट्रांसपोर्ट पे लगवा देना है। दोस्तों ये अक्सर यही होता है, कई लोग का कमेंट हमारे वीडियो पे आया था कि वो माल पैक करवाया कुछ और आ गया उनके घर कुछ, वहीं पे दोस्तों फ्रॉड यही होता है कि वो आपको आपने जो पैक करवाया उसको निकाल कर दूसरा वहाँ पे रख दिया जाता है दोस्तों, इससे बहुत बड़ा घाटा हो जाता है दोस्तों। जैसे कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर जरूर दाब देना, क्योंकि ऐसे अन्य वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।